गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने आपके साथ अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं जाऊंगी बाबू के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दिवाली पर ही बाबू का बर्थडे है, तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए कपड़े लेने के लिए आई हूँ। तो हमारे घर के पास ही एक छोटा सा मार्केट है, मैं वहीं पर आई हुई हूँ, क्योंकि मेन मार्केट में जो है इस टाइम काफ़ी भीड़ चल रही है, तो मैं वहाँ पर नहीं गई थी। और फ्रेंड्स, मैंने जो है आज सुबह 9 बजे अपना एक व्लॉग जो है शेयर किया है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाबू के कपड़े लेने के लिए, और यहाँ पर वो भैया हैं, कुछ कपड़े हैं वो दिखा रहे थे, वही हम लोग जो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो है इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, लेना था। और मार्केट में जाने के लिए जो है भाई वगैरह कोई नहीं थे जो हमको ले जाते, और अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है दिवाली की वजह से, तो फिर यहीं से जो है ले लिए थे। तो यहाँ पर जो है हम कपड़े पसंद कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मुझे 3 ड्रेस पसंद आ गई थी, तो मैंने तीनों ले ली थी कि घर पर जो है बाबू को पहना कर देख लेंगे और जो अच्छा लगेगा वही हम ले लेंगे। तो वही मैं भैया को बता रही थी कि मैं तीनों ले जा रही हूँ, और जो पसंद आएगा वो मैं रख लूँगी और बाकी के जो है वापस करवा दूँगी। और तीनों के प्राइस थे वो मैंने पूछ लिए थे। तो लेकर अब हम लोग जो है चल दिए हैं घर को, और घर से जो है पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है ये वाला ड्रेस, तो ये वाला जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका नेक काफ़ी बड़ा था, बाबू पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से फिर वो वाला नहीं लिया, और ये वाला हमने रख लिया था। एक और था ऑरेंज कलर का, तो वो कलर जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाबू का ड्रेस लेने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ सुनार के पास। यहाँ पर जो है मेरी भाभी भी आई हैं, और भाभी की भाभी भी आई हैं, जो सबसे छोटी वाली भाभी हैं वो, तो उन्हें भी जो है कुछ यहाँ पर लेना था, और मुझे यहाँ लेना था बाबू का बर्थडे गिफ्ट जो मैं लेने वाली हूँ बाबू के लिए, उसके सिल्वर के बैंगल। उस पर जो है पहले बैंगल थे, वो एक बैंगल टूट गया है, तो वो काफ़ी दिनों से लगी हुई थी कि मम्मी मेरे लिए ले आओ। हम लोग चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं तो फिर बच्चों का भी मन होता है, तो मैं उसे प्लास्टिक के या कांच के नहीं पहनाती हूँ, उसके लिए जो है चांदी के कड़े ले लेती हूँ। तो वही उसका टूट गया था, तो मैं यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, सोचा उसका बर्थडे का जो गिफ्ट है वो भी हो जाएगा। राधे 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 राधे। कितने दिखाए देने, हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अब जो है मेरी जो भी दिवाली की शॉपिंग थी वो हो गई है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं दिन में जो है गई थी शॉपिंग करने के लिए बाबू के लिए कपड़े लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिवाली के साथ साथ जो है उसका बर्थडे भी है, तो उसके लिए जो है मैं कपड़े लेने के लिए गई थी, और एक फ्रॉक जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सभी चीज़ें जो है अब एक साथ हो गई हैं, तो सोचा आपके साथ जो है दिवाली शॉपिंग का वीडियो शेयर कर देती हूँ। और आप सभी जो है कह भी रहे थे, तो मैं जो है अब आप सभी के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो है क्या क्या ख़रीदा है दिवाली के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं बाबू के जो कपड़े हैं वो आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ उसके लिए, और क्या मैंने जो है ऑनलाइन मंगाया था उसके लिए। तो जो दिन में मैं लेने गई थी, जो आपके साथ जो है शेयर किया था मैंने, तो वो आप देख सकते हैं, मैं लाई हूँ उसके लिए शरारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कुर्ता, फ्रॉक में है कुछ इस तरह का है, लाइट
पिंक और लाइट ब्लू कलर का जो है कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है और बहुत ही जो है हल्का है, काफ़ी सॉफ्ट जो है इसका मटेरियल है और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ और फुल स्लीव्स लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं उसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वही ज़्यादा लेती हूँ। तो ये है ऊपर का जो है टॉप और उसके साथ ये है, आप देख सकते हैं प्लाजो बोल सकते हैं, प्लाजो है ये, शरारा नहीं है और काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेयर है, आप देख सकते हैं बच्चों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इसमें फ्लेयर मिलता है, कुछ इस तरह का है। और वियर करने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इसमें जो है इलास्टिक है, तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ जो दिन में वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये मैं जब बाय करके लाई हूँ उसके लिए। और इसी के साथ जो है एक ऑनलाइन मैंने फ़्रॉक मंगाई है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था मीशो से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है वो फ्रॉक, ये मैंने मीशो से मंगाई है, कुछ इस तरह का है, सीक्वेंस का वर्क है, वेलवेट का जो ये कपड़ा है ये वेलवेट का है और इस पर सीक्वेंस का वर्क है, काफ़ी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरह की है और ये भी जो है मैंने फुल स्लीव्स ही मंगाई है। तो ये दो जो है कपड़े मैंने बाबू के लिए लिए हैं, तो इसमें से जो भी वो वियर करेगी वो कर लेगी। वैसे मैंने ये दिवाली के पर्पज़ से मंगाई थी कि यही बर्थडे पर और दिवाली पर पहन लेगी, नाइट में जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, बट उसकी पसंद है, उसकी चॉइस है, वो जो भी वियर करना चाहेगी वो पहन लेगी। तो एक दिवाली के लिए हो जाएगा और एक भाई दूज के लिए हो जाएगा। तो ये दो ड्रेस मैंने जो है बाबू के लिए ली हैं। और अभी के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था कि मैं क्या लेकर आई हूँ, तो ये मैं मॉल से लेकर आई थी, जो मैंने आपके साथ मॉल शॉपिंग का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो ये मैं अभी के लिए लेकर आई हूँ, कुछ इस तरह का है। तो ये पूरा जो है बेबी सूट है, ये टी शर्ट है और इसके साथ ही ये इसका आप देख सकते हैं ये है बॉटम वेयर, कुछ इस तरह का, तो पिंक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। तो ये लाई हूँ, तो इसी के साथ जो है एक उसका बर्थडे का सूट रखा हुआ है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बाबू के सॉरी अभी के जो है फर्स्ट बर्थडे पर लिया था, कुछ इस तरह का है, ये भी बहुत ही प्यारा है। तो ये दो सूट हैं, तो सोच रही हूँ ये वाला जो है दिवाली पर पहना दूँगी अगर वो कम्फर्टेबल रहेगा तो, और अगर कम्फर्टेबल नहीं रहेगा तो फिर जो है मैं यही वाला उसको दिवाली पर पहना दूँगी। तो दोनों में से जिसमें भी वो कंफर्टेबल रहेगा वो मैं उसको दिवाली पर पहना दूँगी, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में जो है वो थोड़ा कम कंफर्टेबल रहता है, तो जो उसे अच्छा लगेगा वो मैं उसको पहना दूँगी। तो ये हो गए दो अभी के, जिसमें एक मैंने बाय किया है और एक उसका बर्थडे का रखा हुआ है। अब मैं अपना आपको सूट दिखा देती हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और सभी के इमेज और फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा जो है बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मम्मी का घर है वो जो है रोड पर ही बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है गाड़ी वगैरह निकलती रहती हैं तो उसकी काफ़ी आवाज़ें आती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो जो भी मैंने बाय किए हैं कपड़े उन सभी की इमेज और प्राइस जो है मैं स्क्रीन पर दे दूँगी जो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, तो वो आप जो है चेक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा सूट, तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और ये भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर में है और गोल्डन जो है इस पर फॉयल प्रिंट हो रखा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, काफ़ी हैवी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम पूरा भरा भरा आप देख सकते हैं। इस तरह के इसके जो हैं स्लीव्स हैं, 3/4 इसके स्लीव्स हैं और इस तरह का इस पर जो नेक है उस पर भी काफ़ी अच्छा जो है प्रिंट हुआ है, और इस तरह से नीचे ये आप देख सकते हैं ये है इसका बॉर्डर, और ये ए लाइन कुर्ती है और पीछे भी पूरे में जो है प्रिंट मिल जाता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, तो बहुत ही प्यारा जो है सूट है। तो ये है कुर्ती और अब इसका देख लेते हैं हम बॉटम वियर, तो ये है इसका प्लाजो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, पेंट स्टाइल में है इस तरह का आप देख सकते हैं, मरून कलर का है और इस पर भी जो है गोल्डन कलर का फॉयल प्रिंट हो रखा है आप देख सकते हैं, इस तरह का है और पूरा पर जो है गोल्डन फॉयल प्रिंट है और नीचे बॉर्डर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है,
देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्लैक और मैरून का जो है ये कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ ही इसमें जो है दुपट्टा भी मिल जाता है। तो ये है दुपट्टा, ये भी जो है मैरून कलर का है, बॉटम और दुपट्टा मैरून कलर का है और जो कुर्ती है वो ब्लैक कलर की है। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने सेल में ऑर्डर किया था, तो मुझे ये जो है काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था। तो आप चेक कर लीजिएगा, अब प्राइस जो है कम ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये दुपट्टा है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं चारों तरफ बॉर्डर पर ये जो है गोल्डन जो फॉइल प्रिंट है उससे जो है पूरा अच्छे से एकदम भरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बॉर्डर पर इस तरह का जो है गोटा पट्टी वाला लेस लगाया हुआ है। तो ये भी जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये तो हो गए कपड़े जो मैंने दिवाली और भाई दूज के लिए ख़रीदे हैं। इसी के साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जो है बाबू के लिए जो है उसका बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गई थी। वो काफ़ी दिनों से कह रही थी, उसके जो सिल्वर के जो बैंगल थे वो टूट गए थे, तो वही मैं उसके लिए लेने के लिए गई थी। तो मैं ये दो जोड़ी ले आई हूँ वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था दुकान पर जब मैं थी। तो ये दो मैं ले आई थी कि जो उसके बनेंगे वो मैं रख लूँगी और एक जो है वापस कर दूँगी। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये वाले आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे सही से, इस पर जो है त्रिशूल और डमरू का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बट ये जो है बाबू के छोटे हैं, ये उसके नहीं बने हैं और ये ओपन हो जाते हैं, फिर भी ये बाबू के जो है थोड़ा छोटे हैं। तो ये वाले जो है मैं एक्सचेंज कर दूँगी, मतलब इन्हें वापस कर दूँगी। और जो दूसरे हैं वो ये वाले हैं, सिंपल से हैं बट ये जो है बाबू के सही से आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वाले जो है मैंने रख लिए हैं। तो ये बाबू का जो है बर्थडे गिफ्ट है, ये मैं उसे देने वाली हूँ गिफ्ट में। वो काफ़ी टाइम से कह रही थी, उसके जो पुराने वाले थे वो टूट गए थे तो वो रखे हुए हैं, तो ये मैं उसके लिए नए ले आई हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी प्यारे हैं, तो ये है। और इसी के साथ जो है जो धनतेरस पर मैंने लिया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था अपने धनतेरस वाले ब्लॉग में, आप देख सकते हैं। ये है वो कॉइन, तो ये मैंने जो है धनतेरस पर बाय किया था। तो फ्रेंड यही है मेरी दिवाली की शॉपिंग, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली।